युवक पर चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र कीरित गांव का है मामला, जहां विजय बघेल से गाली गलौज करते हुए युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था। घायल युवक विजय बघेल को नवागढ़ अस्पताल ले जाया गया, यहां से उसे बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नवागढ़ पुलिस ने चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी अमन महंत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। नवभारत समाचार जांजगीर चांपा से देवराम दीवर की रिपोर्ट। प्रार्थी प्रकाश बघेल द्वारा दिनांक 26/1/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अमन महंत और सुरेंद्र कश्यप द्वारा उन पर गाड़ी का हॉर्न बजाने की बात को लेकर दोनों के उनके बीच झगड़ा हुआ था। और जो अमन महंत और सुरेंद्र कश्यप द्वारा प्रार्थी और उसके भाई विजय बघेल को मारपीट कर दिया था और विजय बघेल को आरोपियों द्वारा चाकू से मारकर चोट पहुंचा दिया था, जो इलाज हेतु बिलासपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नवागढ़ में अपराध क्रमांक 56/2021 34/2023/34 कायम किया गया था, जिसमें आहत विजय बघेल की डॉक्टर से चोरी कराई गई और उसमें धारा 307 जोड़ी गई और आरोपी अमन महंत को गिरफ्तार करके न्यायिक मारते।